विशाल और आप सभी का स्वागत है मिस्टर धारू नए यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज की वीडियो पर मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ एक स्टीम बोर्ड जो काफ़ी आसानी से आप घर में बना सकते हो। इसका पूरा मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे आपको इसको बनाना है। तो वीडियो को करते हैं शुरू और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर एक मैं प्लास्टिक का पाइप लूँगा और इसकी जो साइज है अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो आप, ज़रूरी नहीं मैं ले रहा हूँ उस टाइप का क्योंकि इसकी हमें एक शीट बनानी होगी। तो शीट किस टाइप से बना रहा हूँ मैं आपको वीडियो में पूरा आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक समझ में आ जाएगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर फाइनली हमारी शीट बन चुकी है। आप अपने घर का गैस का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने गैस बर्नर का यूज़ किया था और आपको ध्यान रखना है हाथ वाथ ना लग जाए आपके, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक प्रेस लेनी है और इसके ऊपर इस टाइप से रखकर इसकी मार्किंग लेनी है क्योंकि गाइस प्रेस की जो शेप होती है वो बिल्कुल नाव जैसी होती है। तो आपको यहाँ पर कोई शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आपकी पूरी की पूरी नाव का शेप बन जाएगा यहाँ पर। और इसको हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करी और यहाँ पर हमारी पूरी नाव का शेप बन चुका है। अब इसकी हमें दिवाली बनानी है यहाँ पर। तो दिवाली बनाने के लिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारी प्लास्टिक शीट जो थी उसके अंदर से यहाँ पर पट्टियाँ कट करूँगा 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। यहाँ पर मैं 3 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक पट्टी को कट करूँगा। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए मैंने कुछ पट्टियाँ कट की है इसके चारों ओर लपेटने के लिए, तीनों ओर लपेटने के लिए। तो यहाँ पर हमको इस टाइप से इसकी लपेट कर इसकी दीवारें बनानी ताकि ये डूबे नहीं अंदर की साइड में। और इसको इस टाइप से लगाना कि बिल्कुल कोई गैप ना रहे इसके अंदर। तो इसे मैं सुपर ग्लू से चिपकाने वाला हूँ यहाँ पर। आप फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो, 5 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन आप 5 रुपये की लेके आओ काफ़ी महंगी पड़ेगी। इस टाइप की आपको 60-70 रुपये में मिल जाएगी बोतल, बड़ी वाली लेके आ जाना, काफ़ी काम में आएगी। वो आगे भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर भी काम में आ जाएगी आपको, ठीक है। ये आपको हार्डवेयर की शॉप पर ईजिली मिल जाएगी या फिर आप स्टडी जो करते हो वहाँ पर जो किताबें विताबें मिलती है बुक डिपो पर मिल जाएगी ईजिली। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी जो नाव बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और बिल्कुल रियल नाव जैसी जो होती है उस टाइप की लग रही है यहाँ पर। इसका शेप भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, देख सकते हो आप। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से अच्छे से ग्लू लगाना है वरना ये डूब जाएगी अंदर की साइड में, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कंजूसी मत करना है, इसके अंदर जो भी गैप हो वहाँ पर आपको ग्लू लगा देना है। अब यहाँ पर मैं इसे सैंड पेपर से घिस कर बिल्कुल स्मूथ कर देता हूँ जहाँ पर जॉइंट लगा हुआ है हमारे वहाँ पर, ताकि कोई हमें यहाँ पर जॉइंट ना दिखे। इसलिए आगे से इसको तीखा ही रहने देना ताकि अच्छे से पानी को काट सके। और गाइस फाइनली हमारी जो नाव है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका मैकेनिज्म बनाना है जिसे आगे की साइड में रन कर सके। तो मैकेनिज्म बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक पाइप। तो आपने देखा होगा जो आपका फ्रिज है उसके पीछे की साइड में एक जाली टाइप की लगी होती है, उसी के अंदर का ये पाइप है। तो ये मैंने कबाड़े में से लिया है, 5-10 रुपये में मुझे मिल चुका है। आप कबाड़े में से ले सकते हो या फिर कबाड़े में नहीं मिल रहा है आपको तो जहाँ पर फ्रिज रिपेयर किया जाता है वहाँ पर भी आप ले सकते हो इसको। ये कॉपर में भी आता है और लोहे में भी आता है। अगर आपको लोहे वाला मिलता है तो उसमें जंग लग जाएगा थोड़ा बहुत, मैं उसका रिकमेंड नहीं करूँगा कि लोहे वाला लेना है आपको। आप जहाँ तक हो सके कॉपर वाला लेना, उसमें जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने इसको साफ कर दिया पहले रेगमाल से घिसने के बाद। अब यहाँ पर मैं एक पाइप ले रहा हूँ इस टाइप का मोटा, या फिर आप बेलन भी यूज़ कर सकते हो, पतला वाला जो बेलन आता है वो वाला भी यूज़ कर सकते हो आप। और अब यहाँ पर इसको इस टाइप से रखने के बाद यहाँ पर मैं इस पर मोड़ दूंगा और यहाँ पर लगभग 2 से 3 इसके अंदर टर्न्स लूँगा। इसके हम यहाँ पर एक कोइलिंग बना देंगे, ठीक है। और ध्यान रखना आपको मोड़ते समय इसका पाइप जो पिचक ना जाए वरना इसमें पानी रन नहीं कर पाएगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको टर्न से ले लिया इस टाइप से और इसको इस टाइप से एक शेप दे दिया, जैसे आपने देखा होगा लेडीज़ की जो हील वाली जो चप्पल होती है उस टाइप का यहाँ पर ये एक शेप दे दिया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस नाव के अंदर की साइड में इसको लगाना है। तो दोनों साइड में यहाँ पर मैं होल कर दूंगा। तो सबसे पहले इसकी मार्किंग ले लेंगे हम, इसे उल्टा रख कर पीछे की साइड में रखकर और यहाँ पर मार्कर के द्वारा हमें मार्किंग लेनी है और इसकी जगह पर हमें होल करना है ताकि हम इसको पाइप निकाल सकें।
तो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने होल भी कर लिए हैं यहाँ पर। अब हमें इस वायर को, ये जो हमारा पाइप जो है, इसको यहाँ पर इस टाइप से निकालना है दोनों होल के अंदर से। तो गाइस देख सकते हो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर इसे सुपर ग्लू के द्वारा हम चिपका देंगे और जो हमारे होल है इनको भी हम यहाँ पर सील कर देंगे ताकि पानी अंदर की साइड में ना घुस सके, ठीक है, प्लास्टिक की जहाँ पर बॉडी हो वहाँ पर। तो अब इसका मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ किस टाइप से वर्क करता है। तो ये हमारा जो मैकेनिज्म लगा हुआ है इसमें हम यहाँ पर पानी डालेंगे एक तरफ से इंजेक्शन से, जिसमें ये पूरी गोल होकर यहाँ पर निकल जाना चाहिए पानी, ठीक है। उसके बाद हम इस जगह पर हम यहाँ पर कैंडल या फिर कोई मोमबत्ती या फिर जो हमारा होता है दीपक होता है उसको लगाएंगे, जिससे गर्म होगा और यहाँ से पानी को पीछे से प्रेशर से फेंकेगा भाप बनने के बाद। तो आप पूछोगे कि इसमें पानी जो ख़त्म हो जाएगा एक बार, तो उसके बाद ये कैसे रन करेगी? तो गाइस इसमें क्या होता है कि जब पानी बाहर फेंकता है तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होती है, तो वापस से ये पानी को अंदर खींचता है और वापस से गर्म होता है और आगे की साइड में, पीछे की साइड में फेंकता है, जिससे ये आगे की साइड में रन करती है। और ये स्पीड से होता है आगे पीछे, इसमें पानी अंदर जाएगा बाहर जाएगा, जिससे ये आगे की साइड में रन करती है। तो इसके जलाने के लिए यहाँ पर मैं मोमबत्ती का यूज़ करूँगा। मैंने इसकी साइज का कट कर लिया है मोमबत्ती को, यहाँ पर देख सकते हो आप। अब मैं यहाँ पर इंजेक्शन ले रहा हूँ और इसमें एक तरफ से पानी डाल दूंगा और दूसरी तरफ से हमारा पानी निकल जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इस जगह पर पानी डालूंगा और यहाँ पर पूरा रन करने के बाद यहाँ से निकल जाएगा। सो गाइस हमारा पानी इसमें डाल दिया था मैंने। अब हमें क्या करना है, इसकी मोमबत्ती को लगाना नीचे की साइड में। तो यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक का टुकड़ा नीचे की साइड में रखूँगा ताकि ये मोम पिघल के इस बॉडी पे ना गिरे, ठीक है, ताकि हम इसे बाद में बदल सके इसीलिए। तो यहाँ पर मैं इसको जला देता हूँ, उसके बाद इसको गर्म होने का टाइम देना होगा हमें थोड़ा बहुत, जिससे गर्म हो गया आगे साइड में रन कर सके। तो यहाँ पर देख सकते हो इसको मैं गर्म करने के लिए छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और गाइस आप बोलोगे ये हमारा पाइप गर्म होगा तो ये हमारा प्लास्टिक पिघल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। क्योंकि क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, पानी खींचेगा अंदर, वापस आगे की साइड में फेंकेगा, तो ये जो ऊपर कोयलिंग बनी हुई है ये ही गर्म होगी इसके अंदर, ठीक है। पीछे की साइड में देख सकते हो यहाँ पर पानी अंदर बाहर हो रहा है, तो यहाँ पर वाइब्रेट हो रहा है पानी, जिससे ये जो प्लास्टिक भी चिपकाया हमने यहाँ पर ये ठंडा रहेगा पाइप, क्योंकि ठंडा पानी अंदर जाएगा और वापस बाहर जाएगा, तो ये हमारा पाइप जो है ठंडा ही रहेगा। ऊपर की साइड में गर्म होगा, नीचे की साइड में ठंडा रहेगा। तो अब ये इसे जैसे जैसे गर्म हो रहा है तो गाइस देख सकते हो पीछे की साइड में पानी फेंक रहा है यहाँ पर। और ये जो बर्तन है पानी का ये काफ़ी छोटा है, तो मैं इसे बाहर ले जाने के बाद थोड़ा बड़े बर्तन के अंदर चला के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर क्या है कि इस कोयले को जितना ज़्यादा गर्म करेंगे अपन उतना ज़्यादा स्पीड से रन करेगी। तो देख सकते हो मैंने दो मोमबत्ती लगाई है यहाँ पर और जैसे जैसे इसका कोयलिंग गर्म हो रही है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। और गाइस देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी जो नाव है वो आगे की साइड में रन कर रही है। अब यहाँ पर इसकी जो स्पीड है काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे, लेकिन इसकी स्पीड और भी ज़्यादा है यहाँ पर। अगर आप इसे खुले स्विमिंग पूल में चलाओगे या फिर कोई ऐसी बड़ी जगह पर चलाओगे तालाब में, तो और भी ज़्यादा स्पीड से चलेगी। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।